हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अविशन ड्रीमर। मैं हूं आपके दोस्त परेश। सो फ्रेंड्स, क्या आप लोग बेंगलुरु एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हो? तो यहां पे बेंगलुरु एयरपोर्ट में अभी लेटेस्ट एक वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बेंगलुरु एयरपोर्ट में अभी ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी चल रहा है इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से। ये जो इंटरव्यू है, ये बेसिकली 7 जुलाई वॉक इन इंटरव्यू है। तो आप लोग अगर अटेंड करना चाहते हो, आप लोगों को ये वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि ये जो इंटरव्यू है बेंगलुरु लोकेशन के लिए है एंड कोई भी मेल फीमेल फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपके ग्रेजुएशन आपके कंप्लीटेड होना चाहिए। एंड ये जो इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू की वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है डी क्यूब स्पोर्ट्स क्लब के अंदर बेंगलुरु पे है। सो इंटरव्यू की लोकेशन के बारे में, इंटरव्यू की डिटेल्स आप लोगों को डेफिनेटली वीडियो के एंड तक आप लोगों को मैं दे दूंगा। बट इससे पहले आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो इंटरव्यू है इंडिगो एयरलाइंस अभी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे देखेगा। एंड इसके साथ साथ आप लोग अगर इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ पोजीशन में अप्लाई करना चाहते हो, तो आपकी कितना सैलरी मिल सकता है एंड ऑल्सो कैसे आप लोग ये वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो, इसके सारे प्रोसेस मैं डिटेल्स में बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होना चाहिए, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस में कोई भी ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं इसमें उनके पास उनके ग्रेजुएशन कंपलसरी है। एंड इसके साथ साथ गुड कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंट पर्सनैलिटी एंड आपको रोटेशनल शिफ्ट में जॉब करने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे एयरपोर्ट में जो सारे जॉब होता है, यहाँ पे कस्टमर सर्विस पोजिशन के लिए तो आपको बहुत अच्छे एनवायरमेंट मिल जाएगा जॉब करने के लिए, बट आप अगर सिक्योरिटी या रैम पोजीशन में जॉब करते हो, तो यहाँ पे बहुत ही खराब वेदर के अंदर भी आप लोगों को जॉब करना पड़ सकता है। जैसे धूप के अंदर खड़ा होकर भी जॉब करना पड़ सकता है, जैसे रेन के अंदर या ठंडे हवा के अंदर भी आप लोगों को जॉब करना पड़ सकता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो भी आप लोग ग्राउंड स्टाफ की जॉब में अप्लाई कर रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पे इंडिगो एयरलाइंस अभी फ्रेशर को हायर कर रहे हैं। बट आपके पास अगर कोई भी एयरपोर्ट ऑपरेशन की कोई भी एक्सपीरियंस है, एयरपोर्ट में भी आप लोग रिटेल में जॉब किए थे, आप कोई भी हॉस्पिटलिटी अंदर जॉब किए थे जहां पे कस्टमर को या पैसेंजर को सर्विस प्रोवाइड करते थे, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बनेगा। डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा सिलेक्शन होने के लिए। एंड इसके साथ साथ आपके कोई भी विजिबल पोर्शन में कोई भी टैटूज या कोई भी बॉडी आर्ट नहीं होना चाहिए। यस, डेफिनेटली आप लोग, मैं बताना चाहूंगा कि ग्राउंड स्टाफ के जो भी इंटरव्यूज होते हैं, यहां पे इतने ज्यादा टैटूज या बॉडी आर्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो अगर बहुत ही छोटा कोई भी टैटूज है जो विजिबल हो रहा है, तो आप उसे कौनसिल से हाइड करके इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल राउंड में आप लोगों की स्किन टेस्ट नहीं होता है। एंड नेक्स्ट, एज के बारे में बात किया जाए, तो कोई भी फ्रेशर जिसका 18-27 ईयर्स के अंदर एज है, वो डेफिनेटली ये इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सैलरी के बारे में बात करें, तो इंडिगो एयरलाइंस में नियर अबाउट आपके 20-22,000 के अंदर आप लोगों को सैलरी मिल सकता है, या कोई भी ऐसा एयरपोर्ट में आपके पोस्टिंग मिले जहां पे आपको 20,000 के नीचे भी सैलरी मिल सकता है। सैलरी बेसिकली डिपेंड्स ऑन द एयरपोर्ट कि कौन सी लोकेशन की एयरपोर्ट में, कितना बड़े एयरपोर्ट में आपके जॉब मिल रहा है। सो यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि कैसे आप लोग ये वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हो। तो इंडिगो एयरलाइंस में वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करने के लिए आप लोगों को जो भी इंटरव्यू की डिटेल्स है, वो डिटेल्स आप लोगों को चेक करना है। एंड जो भी डेट में, जैसे यहाँ पे 7 जुलाई में इंटरव्यू है, तो 7 जुलाई से पहले आप लोगों को इंडिगो के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है एंड वहाँ पे आप लोगों को रजिस्टर करना है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे जाके आप लोगों को अप्लाई नाउ में क्लिक करना है। करने के बाद वहाँ पे लिंक मिलेगा, जो लिंक पे आप लोगों को क्लिक करने के बाद इंडिगो एयरलाइंस के ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाओगे, जहाँ पे जाके आप लोग राइट साइड में टॉप में आप लोगों को मिल जाएगा लॉग इन टू रजिस्टर नाउ बोल के एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को पहले आप लोगों की साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करना है अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद आप लोग डेफिनेटली फॉर्म फिल करके आपके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई भी हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो है, वो वीडियो की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग चेक करने के बाद फिर आप लोग अप्लाई प्रोसेस डन कर सकते हो। सो इस इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स आप लोगों को डेफिनेटली मैं देना चाहूंगा कि इंडिगो एयरलाइंस में जो वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है, ये वॉक इन इंटरव्यू या बेंगलुरु एयरपोर्ट में जो ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू चल रहा है, ये इंटरव्यू अटेंड करने के लिए आपको डेफिनेटली इंटरव्यू की जो भी टाइमिंग है, जो भी लोकेशन है, उस लोकेशन में टाइमिंग से 30 मिनट्स पहले आप लोगों को इंटरव्यू की लोकेशन में पहुंचना है। एंड आप लोगों को कुछ प्रिपरेशन करना है इंडिगो एयरलाइंस के बारे में, आप लोगों को ऑनलाइन से प्रिपरेशन करना है, आपके इंट्रोडक्शन में प्रिपरेशन करना है, आपके फैमिली के बारे में प्रिपरेशन करना है, आपकी स्किल डेज के बारे में, आपके कोई मेमोरेबल डेज के बारे में,
और इसके बारे में और भी डिटेल्स में इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाता है, जीडी राउंड में कौन से टॉपिक दिया जाता है, इसके बारे में प्रिपरेशन करने के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका हेल्प आप लोग ले सकते हो या मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो लिंक से जाके वो वीडियो चेक करके आप लोग खुद प्रिपरेशन कर सकते हो एंड इस इंटरव्यू में आपकी सिलेक्शन करवा सकते हो। और अगर आपके मन पे और भी कोई क्वेरीज है या इंटरव्यू में आप लोग बार बार फेल हो रहे हो तो इसके बारे में डिटेल्स में आप लोग डेफिनेटली मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके मुझे लिख सकते हो, डेफिनेटली आपको मैं हेल्प करूंगा।